संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार संसद के इस सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का इस पर फोकस भी रहा है। उनका तर्क है कि इससे चुनाव कराने की लागत कम होगी और शासन के लिए समय भी बचेगा। ट्विटर पर अब जल्द ही ऑडियो और वीडियो कॉल की सुविधा शुरू होगी। एलन मस्क ने इसका ऐलान किया है और कॉलिंग के लिए नंबर की जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सितंबर में बिजली का बिल जीरो आएगा। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है और इसमें तिरंगा का जीवंत रंग शामिल है, यानी केसरिया, सफेद, हरा और नीला। G20 के लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। यह एक प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत पाठ महाउपनिषद से लिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 सितंबर को 400 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। राजनिवास के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी हरी झंडी दिखाने वाले समारोह में शामिल होंगे। इससे दिल्ली DTC का 80% बेड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का हो जाएगा और दिल्ली 9 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।